इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है के की वैल्यू, और के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको दिया गया है जो उसके रूट्स हैं, जो ये गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है। जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, जो डी होता है वो जीरो के बराबर होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी। अपन वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू है माइनस टू इंटू फाइव प्लस टू के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू वन इंटू थ्री इंटू सेवन प्लस टेन के। इतनी बड़ी वैल्यू है सी की और ए की। जब अपन इसको ओपन करेंगे तो ये फोर तो अलग हो जाएगा और यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, तो ए स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर प्लस ट्वेंटी के इज इक्वल टू फोर थ्री जा ट्वेल्व इंटू सेवन प्लस टेन के। इस फोर से हम ये थ्री टाइम्स कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा फोर के स्क्वायर प्लस ट्वेंटी के प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी वन प्लस थर्टी के। ठीक है, अब हम इसको आरएचएस में लेके आएंगे तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी फोर के स्क्वायर माइनस टेन के प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब हम उनके इसके फैक्टर्स करने हैं, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे एट फोर के स्क्वायर माइनस एट के माइनस टू के प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैंने फोर के कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा के माइनस टू, यहाँ से मैंने माइनस टू कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ही बचेगा के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। पूरे में से अगर मैं के माइनस टू कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा फोर के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो के की दो वैल्यू आ जाएगी, के की एक वैल्यू हो जाएगी टू और के की एक वैल्यू हो जाएगी टू बाय फोर। जब अपन इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाय टू, तो k इज इक्वल टू टू बी और k इज इक्वल टू वन बाय टू बी है।